अल्लाह का करम। मेरे दो दोस्त है, बाप बेटा दोनों होम्योपैथिशियन है जी। अच्छा, वो तो दोनों को बहुत प्रॉब्लम थे जी। एक का जो बाप है उसकी गर्दन पूरी है, जिसको ददर बोलते हैं आम जुबान में। अच्छा अच्छा, ये क्या है? होम्योपैथिशियन और होम्योपैथिक है जो। अच्छा 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 अच्छा, बाप बेटा दोनों है जी। अच्छा 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 अच्छा, सही। जो बेटा है उसका भी सारे जिस्म पे ना रेश बने होते ना। हाँ हाँ, सही सही। उनको मैंने हीलिंग दी है सर। उसको बाद राम चतुर्थी ये भी मैंने उनको नजायज कर दिया, लेकर उसको लगाते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह उनके 75% प्रॉब्लम तो ठीक हो गया है। अभी शुरू किया उनका एक हफ्ता पहले ही सर। अच्छा 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 अच्छा, हाँ तो उनकी काफी प्रॉब्लम उसका बेहतर हो गया है। उनके पहले खारिश वगैरह थे वो भी खत्म हो गए, जो उनके निशान थे वो भी खत्म हो गए। सही सही सही, थोड़े से रह गए वो करीमों से इस्तेमाल कर रहे हैं जी, वो भी खत्म हो गए। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपको और खुशियाँ दे और ताकत अता फरमाए। बिल्कुल समदा जो है वो स्किन का भी जैसा कि स्पेशलिस्ट है, ऐसा है ना? बिल्कुल सर, ऐसा ही है। जैसे सर पहले ना नमाज के बाद ये वैसे पानी के बाद ये आदमी की जिल्द खुश्क हो जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर अल्हम्दुलिल्लाह एक दफा उसको एनर्जाइज कर लेते हैं खुद को उसको लेवल से ना। जी जी जी, उसको करके बस उसको चेहरे पे मन दिया तो ऐसे जैसे वो मैं फिर अगर इस्तेमाल कर रही है क्रीम इस्तेमाल कर रही है, क्रीमों की जरूरत है आज भी नहीं रहती सर। सही सही सही, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है, बहुत अच्छी बात है, बहुत 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 अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कि आपने किसी के आपकी वजह से किसी के दर्द दुख दूर हुआ, अल्लाह ने ठीक किए और उनकी प्रॉब्लम ठीक हुई। लोग जो है जल्द अमराज की वजह से नफसियाती बीमार हो गए ना, क्योंकि ऊपर से वो खूबसूरत नजर नहीं आता है तो अजीब सा उनका। अल्लाह ने जब कोई चीज इंसान को नहीं देता है या नहीं होता है तो वो सब्र करनी चाहिए ना, लेकिन लड़कियां तो बिल्कुल ही रोते रहते हैं, बीमार होते हैं कहते हैं। असल में वो शादी के चक्कर में, तो उस चक्कर में अपने आप को और बीमार कर देता है, और वो जो जल्द है वो और ज्यादा ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, वो जल्द और ज्यादा पीका सा हो जाता, और ज्यादा बीमार हो जाता है। बहुत से लड़कियां हैं आजकल जो है ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, रंग बिरंगी जो क्रीमें वगैरह लोशन इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे को एडवर्टाइज में देख लिया के चल पड़े तो उससे तो काफी जल्द को अपना नुकसान पहुंचा लेती है ना लड़कियां। सही सही, उसका तो हाल यही है सर। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा समझा सीख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत सारे मसाइल बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बात करेंगे दूसरे क्या पे, एक दूसरे कॉल होल्ड पे हैं, काफ़ी देर से होल्ड पे हैं इसलिए दूसरे कॉल को ड्रॉप करना पड़ा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, डॉक्टर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, कौन बात करें? जी मैं गालिब बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। गालिब जी कैसे मिजाज हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी गालिब साहब, मौजू के मुताबिक स्किन डिजीज कैसे क्योर हो सकता है, स्किन डिजीज किस तरह के बेहतर हो सकता है, समदा आपने किया हुआ है गालिब साहब? जी मैंने बिल्कुल समदा किया हुआ है, और स्किन का जो टॉपिक है मेरे ख्याल से ये भी एक इंतहा अहम टॉपिक है। पूरा नाम जो आपका है मिर्जा गालिब है जी? बिल्कुल सही बताना आपने। अच्छा जी, और स्किन के बारे में तो मेरे कुछ जो मुशाहिदा है वो इस तरह है कि अच्छा एक चीज को गिलाफ पहनाया हुआ है जी जी, चाहे वो फल है चाहे वो छतरी है या वो जानदार है जी, सांप की जो खाल है ये इसका गिलाफ है। हाँ हाँ सही, तो इंसान की जो स्किन है इसके ऊपर अगर तरह तरह की अगर बीमारियां आ रही हैं या फिजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इस चीज की निशानदेही कर रहा है कि नीचे जिस्म में प्रॉब्लम है, सही इनके स्किन के रास्ते बाहर वो हटके आ रही है। सही सही,
जिस तरह इंसान की अंदरूनी बीमारियों का इलाज है, इसी तरह मतलब स्किन की बीमारियों का भी इलाज है। हाँ, और मैं ये समझता हूँ कि अच्छी स्किन एक अच्छी सेहत की निशानदेही भी करती है। सही। और इंसान की जो जिस्मानी साफ है, उसकी जो वैल्यू है, तो क्वालिटी की निशानी करती है। सही। दुनिया में लातादाद बेशुमार कंपनियां हैं, जिसमें खासतौर पर कॉस्मेटिक्स की कंपनियां हैं, ये लगातार रिसर्च कर रही हैं, कोशिशें कर रही हैं कि इंसान की स्किन को किस तरह खूबसूरत रखा जाए या बनाया जाए, और उसमें जो अवारज हैं उनको कैसे दूर किया जाए। तो इनके साथ आपके जो तरीकाकार है, जो हीलिंग का ट्रीटमेंट का तरीका है समुद्र के जरिए, मैं ये समझता हूँ कि उसमें बगैर किसी मुजर असरात के अगर इंसान अपनी जिल्द की बीमारियों की ट्रीटमेंट और अपनी अंगूठी सेहत के साथ साथ अपनी दरूनी शख्सियत और सेहत को स्किन की सूरत में बेहतर कर ले, तो मेरे ख्याल में इससे अच्छी और क्या बात होगी। बिल्कुल सही फरमा रहे, बिल्कुल सही है। समदा एक नेचुरल तरीका इलाज है जो स्किन को बहुत बेहतर करते हैं, और स्किन डिजीज को रिमूव करते हैं, ख़त्म करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट के ऐसे तजुर्बात है जो कि हैरान है। मैं इसलिए इस पे बात करना चाहता हूँ क्योंकि स्किन पे इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत से लड़कियाँ मैं देखता हूँ रोते हैं, रहती हैं बेचारियाँ। और जी हाँ, खासतौर पर ये स्किन के प्रॉब्लम्स टीन एज में ये बहुत कॉमन होते हैं, और मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट्स तलबा और तलबात हैं उनके लिए ये समझा कि नींद की ये वाली जो ट्रीटमेंट है ये लेना बहुत कम साबित हो सकता है। मस्ट है, जरूरी है, क्योंकि ये नेचुरल है, इसके कोई नुकसान नहीं है और जल्द को बहुत बेहतर करता है, और बड़ी खतरनाक बीमारियों से निजात देते हैं। जी हाँ बिल्कुल, एक तो इससे इंसान सेहतमंद और बैरूनी तौर पर जिल्द आपकी तरोताज़ा और साफ शफाफ और अच्छी है जी, तो इससे तलबा तलबात जो है वो अपनी जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं उन पर अच्छे तरीके से फोकस कर सकते हैं, उनको टेंशन एंगजाइटी नहीं होती। बिल्कुल, चूंकि वो नए नए नौजवान खास हो रहे थे तो उनकी एक ख्वाहिश होती है अंदरूनी तौर पर वो ज्यादा खूबसूरत और अच्छे दिखें, और बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं उसकी वजह से भी एक एंग्जाइटी का एक लेवल होता है उनके अंदर। सही सही सही। तो ये समझा एक मेरे ख्याल से कंप्लीट पैकेज उनको प्रोवाइड कर सकता है जिसमें वो अंदरूनी और बैरूनी अपनी जो सेहत है उसको अच्छा कर सकते हैं। जी जी। आप मिर्जा गालिब साहब, आप शायर होने के साथ साथ और क्या है? और आपके लिए दुआ हूं, और स्टूडेंट हूं, और इंशाल्लाह आगे भी आपसे सीखने की तो और उम्मीद है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप नहीं आपने क्या आप फिर किस फील्ड में काम करते हैं? मैं आपको पहले बता चुका हूं मैं वैसे सरकारी मुलाजिम हूं। जी बिल्कुल, बता दे अपने बारे में बता दे। जी मैं सरकारी मुलाजिम। जी मुलाजिम। आपकी आवाज कट कट आ रहे हैं। अच्छा, सरकारी मुलाजमत में हूँ मैं। अच्छा सरकारी मुलाजिम है। अच्छा जी, तो भारत जो आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रहे। अच्छा, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं ये याद कर रहा था कि ये आप इसकी जितनी भी तरवीज करें मेरे ख्याल से अच्छा है, और हमारी जितनी नई जनरेशन है खास तौर पे जिनको ये स्किन के प्रॉब्लम्स हैं जी जी, वो इस हीलिंग में मदद मिलेगी। इसके अलावा भी जो हमारी ढलती उम्र के लोग हैं जिनको स्किन के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं खुसूसन खातीन में, तो मेरे ख्याल से अगर उससे इस्तेफादा करेंगी जी जी, तो ये उनके लिए उनकी फैमिली के लिए समदा बहुत बेस्ट है, बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। कोई शेर भी सुनाए मिर्जा गालिब साहब, कोई शेर समदा से रिलेटेड हो, डॉक्टर समझ से कोई उसका लिंक हो, सिलसान से कोई लिंक हो, आपके अपने से कोई लिंक हो, कोई ऐसा कुछ है, कोई एक शेर सुनाए, बस एक आधा शेर। बस ऐसे छोटा सा एक शेर है, वैसे मैं हूँ तो गालिब लेकिन इकबाल का शेर सुना देता हूँ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है सुना दे। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, क्या दोबारा प्लीज साथ? जी की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
बहुत अच्छा मिर्ज़ा गालिब साहब ने बड़े ज़बरदस्त बातें कहीं स्किन के हवाले से और आपको एक पैगाम देने के हवाले से कि समुदाय हीलिंग सिस्टम जिल साइंसेस हमारे लिए जिल साइंसेस एक बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी ताकत है और ये तमाम बच्चों को, बच्चियों को और बड़ों को सबको करने चाहिए ताकि स्किन प्रॉब्लम से निजात पाएँ और इनके रवैया अच्छे हो जाए, अख्लाक सही हो जाए, एक अच्छे बाप माँ बाप बन जाएं और एक अच्छे जो है ना साथी बन जाएं, एक अच्छे जो है ना एक लाइफ पार्टनर बने और एक अच्छा बहन भाई बने और एक अच्छे शहरी बने। तो आपको बेहतरीन पैगाम दिए मिर्ज़ा गालिब साहब ने, बेहतरीन पैगाम दिया आपको। तो इस वजह से आप बिल्कुल मायूस मत हो, बिल्कुल भी मायूस मत हो, ये कोई इश्तिहार नहीं है किसी भी चीज़ का, ये एक सच है, इलम है, नॉलेज है, हकीकत है। आप तशरीफ लें, एक बार ख़ुद आजमाने के लिए आ जाए, इंशाल्लाह देखें आप ख़ुद भी वो ट्रेनिंग लेंगे, ख़ुद भी आपका इलाज भी होगा और आप इलाज भी आपका होगा और साथ एक मालिज भी बनेंगे आप, जो कि आप दूसरों का भी इलाज कर सकते हैं। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि कोई भी अगर जल्दी अमराज आपको खुदा ना करता कई प्रॉब्लम्स हैं तो आप बिल्कुल भी इसमें मत हो, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं हर चीज़ के अल्लाह ने कोई ना कोई शिफा लिखा है, कहीं ना कहीं है, लाजमी हमें तलाश करना है, अल्लाह हमें अता करेंगे वही चीज़ जो हमें चाहिए, हमेशा अता करेंगे अल्लाह ताला, अल्लाह हमारे साथ है और हमेशा अल्लाह ताला हमारे साथ है। तो इसलिए ज़रूर ये है कि सिर्फ आप तशरीफ लें, सिर्फ आप आएँ एक बार, इसमें कोई ऐसी इंजेक्शन नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, एक मेडिटेनिक कैफियत होती है, अल्लाह की ताकतों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जल्दी अमराज हमारे ठीक हो जाते हैं और बस बात अल्लाह ठीक कर देते हैं, जल्दी अमराज को बिल्कुल अल्लाह क्योर करते हैं, ठीक करते हैं और अल्लाह इसको बिल्कुल ही ठीक ठाक ज़िंदगी बन जाते हैं, हमारे बेहतरीन ज़िंदगी बन जाते हैं। एक कॉल होल्ड पे हैं, आते हैं फिर उसके बाद जल्द पे ज़रूर बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। कौन कहाँ से बात कर रही है? साहब मैं बुशरा बोल रही हूँ रावलपिंडी से। जी जी बुशरा, क्या कहना चाहते हैं? आपके पास 1-4 लेवल किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो पहले पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था की मैंने अभी सिर्फ अपना इलाज शुरू किया, अभी दूसरों का नहीं किया, लेकिन अब मैंने दूसरों का भी करना शुरू कर दिया। माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, आपके लिए तालियां, आपके लिए तालियां, सब स्टूडेंट तालियां। बुशरा ने इलाज करना शुरू करते आदर्श की, माशाल्लाह। तो कैसे इतना ताज है? जी डॉक्टर साहब मेरे पास एक बच्ची आती है, मैं पारा भी पढ़ाती हूँ ना तजवीद के साथ, जी जी। वो बच्ची मेरे पास आती है तो उसकी बेटी है तो वह नॉर्मल है। अच्छा। तो गर्दन उसकी लटकी रहती है, मुंह से उसके राले टपकती रहती थी, तो मैंने कहा इसको लेके आओ मैं इसका इलाज शुरू करूंगी। वो अब माशाल्लाह वो बच्ची जो है वो गर्दन खड़ी भी करना शुरू कर गई है, अब बगैर टेक के वो गर्दन खड़ी रखती है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा। उसके बाद उसकी दूसरी जो है पोजीशन के वो सीधा नहीं लेट सकती थी, वो बहुत ज्यादा डरती थी बच्ची। अब वो माशाल्लाह बिल्कुल डरती भी नहीं है बच्ची, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। गाले भी नहीं टपक रही वो माशाल्लाह, मैं उसको उंगलियों से पकड़ के ना मैं उसको खड़ा करती हूँ, मैं कहती हूँ सर उठाओ तो वो उठा लेती है हीलिंग के बाद। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी बात है। वॉच मी ऑन हैक टीवी इन हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम every morning at 8 am and repeat at 11 pm budh aur hafte ko raat 1 baje aur baki dinon mein raat 11 baje repeat honge karachi pindi islamabad aur lahore mein hamse rabta kare aur kudrati tarike se apna ilaaj kare jiske koi muzir asraat nahi hai by our most powerful healing energy samda and our most successful formula hmn
अल्लाह ताला ने ऐसे जिस्मानी और नफसियाती बीमारियों का इलाज किए और ऐसे मसाइल का हल किया जो दुनिया हैरान है। मेरे तजर्बात, तहकीकात और तहरीरों से भी आप मुस्तफीद हो सकते हैं। डिप्रेशन का जदीद तरीके इलाज, समदा हीलिंग एनर्जी, मावराई उलूम का खुलासा और अमल, शिफाई तवानाई की पोशीदा दुनिया और जिल साइंसेस। फाइंड मी ऑन गूगल, यूट्यूब एंड फेसबुक। कॉन्टेक्ट अस एंड विजिट समदा हीलिंग.com।